हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदमी। स्वागत है आपका वेदमी के यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ प्रोजेक्ट क्वेश्चंस के बारे में फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी सिचुएटेड इन बैंगलोर। किसके बारे में? कुछ प्रोजेक्ट क्वेश्चंस के बारे में फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी जो कि सिचुएटेड है बैंगलोर में। अब ये प्रोजेक्ट क्वेश्चन क्यों एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि ये इन प्रोजेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू आपके पास एक मौका होगा पीएचडी में इनरोल करने के लिए। जी हाँ, अगर आपके पास कोई एग्जाम क्वालिफिकेशन नहीं, सीएसआईआर गेट अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया है, तो अगर आप इन प्रोजेक्ट पोजिशन में सेलेक्ट होते हैं तो आपके पास एक मौका होगा उस इंस्टीट्यूट में पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आप बिना किसी एग्जाम क्वालिफिकेशन के आप पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन प्रोजेक्ट पोजिशन की फंडिंग पूरी 5 साल की होगी। तो आप पीएचडी में अप्लाई करेंगे तो और पूरे 5 साल आपको स्टाइपेंड मिलेगी। एक बार सामने बता दूं, टोटल इसमें 10 प्रोजेक्ट पोजिशन हैं फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी। कहाँ से? इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम बैंगलोर। इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो इसमें एमएससी लाइफ साइंस से रिलेटेड जितने भी डोमेन हैं, एमएससी लाइफ साइंस, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस से रिलेटेड जितने भी डोमेन में अगर आपने एमएससी कर रखा है, साथ साथ एमएससी में 70% है, तो आप इन क्वेश्चन के लिए एलिजिबल हैं। चलिए बढ़ते हैं और डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले अगर आपको अप्लाई करना है, देखना है कहाँ पे क्वेश्चन निकला है, सबसे पहले आप IBAB के वेब होम पेज पे जाइएगा। वहाँ पे कैरियर सेक्शन में चले जाइएगा। कहाँ? इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी के होम पेज पे जाइएगा। वहाँ आपको कैरियर सेक्शन दिखेगा, फिर वहाँ सब इस पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर रिसर्च पोजिशन लीडिंग टू पीएचडी डिग्री। उन्होंने इस पूरे हेडिंग में ही मैंशन किया कि अगर आप इस रिसर्च पोजिशन में सेलेक्ट होते हैं तो आप पीएचडी के लिए इनरोल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं डिटेल्स के बारे में। जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं टोटल 10 प्रोजेक्ट्स हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बताएगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आपको जो प्रोजेक्ट पसंद है, जिस प्रोजेक्ट में आपको काम करना है, तो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। और इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी जैसे देख सकते हैं एमएससी डिग्री इन लाइफ साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स या एमटेक इन कंप्यूटर साइंस विद एटलीस्ट 70% मार्क्स या इक्विवेलेंट टू ग्रेड, जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसके इक्विवेलेंट। सो आप देखा क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, मास्टर डिग्री इन लाइफ साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स विद 70%। और साथ ही साथ इन्होंने ये बोला कि अगर किन्हीं कैंडिडेट्स के पास कोई फंडिंग होगी, कोई फेलोशिप होगी, तो उनको प्रेफर किया जाएगा। और जो इंस्टीट्यूट होगा, कुछ एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स को खुद फेलोशिप प्रोवाइड करेगा। मीन्स इसमें IBAB खुद इंस्टीट्यूट फेलोशिप प्रोवाइड करेगा अगर आपके पास किसी कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, और उसमें इन्होंने अमाउंट नहीं बताया कितना फेलोशिप होगा, लेकिन अगर कोई नेशनल इंस्टीट्यूट है तो फेलोशिप अमाउंट उसके CSR के इक्वल ही हो रहता है। तो अगर आपके पास आपका बहुत अच्छा एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, बहुत अच्छे परसेंटेज है BSc MSc में, लेकिन आप कोई नेशनल एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उस चिंता की बात नहीं, आप इस इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई करने के लिए आपको जो CV होगा और कवर लेटर, CV और कवर लेटर आपको इस मेल पे भेज देना है बिफोर 30 नवंबर। ठीक है, तो क्या अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको CV अपनी इस मेल ID पे बिफोर 30 नवंबर भेज देना है। तो ये डिटेल्स हैं, तो एक बार फिर बता देता हूं, ये 10 प्रोजेक्ट पोजीशंस हैं फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी। इसमें MSc लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, साथ साथ 70% चाहिए। और अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट पोजीशन होगा उसको पीएचडी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसमें पूरे प्रोजेक्ट फंडिंग पूरे 5 साल की होगी, तो स्टाइपेंड भी पूरे 5 साल के लिए मिलेगी। अगर आपके पास कोई अपनी फेलोशिप है तो आप वहां से फेलोशिप उठा सकते हैं, और जिनके पास फेलोशिप नहीं है फिर उनको इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी। अगर आपके इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उसे जरूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।